हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए हम पिछले क्लास को यानी कि पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए आते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है लैंगर हैंस की द्वीपिका, क्या है लैंगर हैंस की द्वीपिका। तो ये लैंगर हैंस की द्वीपिका का पहला पॉइंट कह सकते हैं कि यह अग्नाशय का ही एक भाग है। यानी कि लैंगर हैंस की द्वीपिका क्या है, तो यह क्या है कि एक यह अग्नाशय का ही एक भाग है। सबसे पहली बात क्या है कि लैंगर हैंस की द्वीपिका क्या है, तो यह अग्नाशय का एक ही भाग है, यानी कि एक भाग ही है। किसका भाग है, तो अग्नाशय का भाग है। कौन सा, लैंगर हैंस की द्वीपिका। फिर इसकी खोज लैंगर हैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, लैंगर हैंस की द्वीपिका। तो कब यानी कि इसकी खोज किसने की, तो लैंगर हैंस नामक वैज्ञानिक यानी कि चिकित्सा शास्त्री ने की थी। अब आते हैं इसके यानी कि लैंगर हैंस की द्वीपिका, तो क्या है, अल्फा कोशिका से इंसुलिन, सॉरी बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या है, बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन और गामा कोशिका से जो है क्या है, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। अब यानी कि बात आई इंसुलिन की, बात आई ग्लूकोन की, बात आई सोमेटोस्टेटिन की, स्टेटिन की, तो अब हम बात करेंगे इस तीनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आया यानी कि बीटा कोशिका से क्या निकलता है, यानी कि इंसुलिन। तो बात करेंगे पहले हम इंसुलिन की, यानी कि इसकी खोज, किसकी खोज, इंसुलिन की खोज क्या है, फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट ने सन 1921 में यानी कि ईस्वी में की थी। इसकी खोज कब हुई इंसुलिन की, तो 1921 में, 1921 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में हुई, किसने क्या खोज, तो फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने। उसके बाद है यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनन यानी कि बनने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या है, यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया को क्या करता है, यानी कि नियंत्रित करता है, यानी कि रोकता है। कौन, इंसुलिन। अभी बात करें इंसुलिन की, यानी कि तो इंसुलिन पर ही चल रहा है। तो यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया को क्या करता है, रोकता है, यानी कि नियंत्रित करता है। फिर इंसुलिन, क्या इंसुलिन के अल्प श्रवण से क्या होता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, क्या है, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, डायबिटीज, मधुमेह किसको कहते हैं, डायबिटीज को, यानी कि डायबिटीज को ही हम कहते हैं मधुमेह। तो ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्या है, इंसुलिन के अल्प श्रवण से क्या होता है, मधुमेह नामक रोग यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। फिर रुधिर में, ये पॉइंट तो पिछले क्लास में यानी कि पिछले क्लास में, उससे पिछले क्लास ये पॉइंट आ चुका है, लेकिन फिर से हम लाए हैं। तो क्या है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या है, मधुमेह कहलाता है, यानी कि डायबिटीज है। रुधिर यानी कि रक्त में, रुधिर मतलब रक्त, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज है। तो हम इंसुलिन की बात कर लिए, यानी कि बीटा कोशिका से जो निकलता है इंसुलिन, वो बात कर लिया। बात करेंगे अल्फा कोशिका से ग्लूकोन, तो ग्लूकोन की बात करेंगे, तो ग्लूकोन क्या है, यह ग्लाइकोजन की यानी कि ग्लाइकोजन को पुनः, क्या है, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ग्लूकोन क्या है कि यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में क्या करता है, परिवर्तित करता है, यानी कि आ गया। उसके बाद गामा यानी कि इंसुलिन से क्या, सॉरी गामा लैंगहैंस की द्वीपिका से क्या निकलती है, तो सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन, यानी कि बात करेंगे ये चीज का, तो यह पॉलीपेप्टाइड, क्या है, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। पहली बात क्या है कि यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। फिर हृदय में रुधिर का मार्ग, ये अलग चीज यहां तक समाप्त करने के बाद, यानी कि ये लैंगहैंस की द्वीपिका यहां से यहां तक चला। अब हम बात करेंगे हृदय में रुधिर का मार्ग, क्योंकि कभी कभी ये देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये चीज को हम लाए हैं, हृदय में रुधिर का क्या है, मार्ग। तो पहला क्या है, बायां आलिंद, यानी ध्यान दीजिए ये एरो का चिन्ह है, ये भी एरो का चिन्ह है, यानी कि बायां आलिंद, बायां निलय, दैहिक महाधमनी, तो विभिन्न धमनिया, क्या है, विभिन्न धमनिया, फिर है छोटी धमनिया, फिर है धमनिया कोशिकाएं, क्या है, धमनी कोशिकाएं, फिर अंग, फिर अग्र एवं पश्चिम महाशिरा,
फिर क्या दाहिना आलिंद और दाहिने निलय और फिर है पल्मोनरी धमनी और फेफड़ा, फिर है पल्मोनरी सिरा, फिर है बायां आलिंद। तो ये चीज क्या था, हृदय में रुधिर का मार्ग यानी कि हार्ट में ब्लड का जो मार्ग होता है वो चीज की बात की हम एरो के माध्यम से। दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। क्या है, त्रिवलनी कपाट होता है कि इसमें दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच में, क्या है, दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच में क्या होता है, त्रिवलनी कपाट होता है। फिर बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच द्विनली कपाट होता है। क्या है, बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच द्विनली कपाट होता है। अभी क्या बात कर रहे थे, दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच क्या होता है, त्रिवलनी कपाट होता है। फिर बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच क्या होता है, तो द्विनली कपाट होता है। क्या है, बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच क्या है, द्विनली कपाट होता है। फिर मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है, तो वृक्क जिसको किडनी कहते हैं, त्वचा यानी कि स्किन, फिर यकृत, लीवर, फेफड़ा, क्या है, लंग्स। यानी कि मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन सा, तो चार ध्यान दीजिएगा, वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़ा। तो ध्यान में रखिएगा आज का ये यानी कि क्लास समाप्त होता है और ये बायोलॉजी हम बता चुके थे कि बहुत ही अंतिम चरण पर है, यानी कि एक से दो क्लास में ये बायोलॉजी निपटारा कर देंगे और जो जीके था मेरा वो जीके स्टार्ट करेंगे, तो यानी कि हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिर ज्योग्राफी। तो ध्यान दीजिएगा, ये बायोलॉजी जो है एक से हम दो क्लास में समेट देंगे, उसके बाद मेरा आएगा जीके का यानी कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, तो उसको हम विस्तार पूर्वक लाएंगे। जो भी स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या ज्योग्राफी, तो वो चीज को हम एक सिलसिले ढंग से अच्छी तरह से यानी कि आप लोग के लिए हम पेश करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।